तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रिलेशन आइडियल गैस ओ विद इक्वेशन, ये वाला वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, आप पढ़े होंगे लेंथ एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा बी की जो वैल्यू होती है वो गामा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक्चुअल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको तुम लिख सकते हो डीवी ओवर डीटी, डीवी ओवर डीटी और एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई गामा। तो ये है गामा, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है जो कि इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे गामा की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ से देखोगे तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट गिवेन है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ से प्रेशर की जो वैल्यू है वो के और टी के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर गैस इक्वेशन यूज करोगे तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू रखोगे तो के टी स्क्वायर और वॉल्यूम भी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से तुम इस एक्सप्रेशन को तुम देखोगे तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो तुम्हें फील आ जाएगा, हरियाली तो यूज कर ही रहे थे। तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से हाँ भी अपान टी की पावर क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एन आर अपान के, और ये सारा का सारा एक कांस्टेंट जनरेट करके दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ ये बात मुझे समझ में आया, टी की पावर क्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो थ्री और यहाँ से टी स्क्वायर और यहाँ से डी टी ओवर डी वी की वैल्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से वन आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा थ्री टी स्क्वायर डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से डी वी, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। तो एक काम करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड में डिवाइड कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा थ्री टी की पावर क्यू इधर और थ्री टी स्क्वायर डी टी यहाँ मिलेगा, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू बी, और यहाँ से आप उनको मिलेगा डी बी। तो यहाँ से टी स्क्वायर ने एक टी को खा गया, तो यहाँ से टी बाई थ्री तो इधर रह गया, और इधर जो बचा वो बचा डी टी ओवर डी बी, और मल्टीप्लाई कर दूँ एक्चुअल वॉल्यूम बी से। तो अगर मैं देखूँगा इधर से तो मैं इसका उल्टा ले लूँ, तो इनवर्स ले लूँ तो ये आ जाएगा डी बी ओवर वी डी टी, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू थ्री बाई टी। इसका मतलब ये वी डी बी ओवर डी टी ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, गामा ही तो है, तो थ्री ओवर टी, गामा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज द आई होप कि थ्री टी दैट इज फोर्थ ऑप्शन सही है और ये बिल्कुल गलत है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।